जामे रहे मानिया इदारा आलिशान, जामे रहे मानिया इदारा आलिशान, जामे रहे मानिया इदारा आलिशान, पढ़ते ने बच्चे थे रब दा कुरान, जामे रहे मानिया इदारा आलिशान, जामिया दे विच अज जलसा प्यारा है, जामिया दे विच अज जलसा प्यारा है, दूरों दूरों लोग आए अजबी नजारा है, दूरों 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 लोग आए अजबी नजारा है, हर पासे दिसती अवाम ही अवाम, जामे रहे मानिया इदारा आलिशान, जामे रहे मानिया इदारा आलिशान, जामे रहे मानिया इदारा आलिशान। तवज्जो करो, मैं क्यों ना कहना जावा, शहर कंगनपुर दी अजीम दरसगाए, शहर कंगनपुर दी अजीम दरसगाए, इस दरसगाह उते राधियों इलाए, इस दरसगाह उते राधियों इलाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب ذی وقار، بڑی ہمت ہے آپ لوگوں کی، आपके जिस्मों को देख के और जिस्मों से रूहों के ताल्लुक को टूटते हुए देख के तरस भी आ रहा है, और इन हालात में दिल से दुआ भी निकल रही है कि मेरे मालिक, इन चेहरों को कभी जहन्नम की आग के करीब न जाने देना। तालीम और ताल्लुम का उसूल होता है कि पीरियड उतना होना चाहिए कि तालब इलम थके ना। तदरीस, तालीम और तबलीग, मेरे महबूब ने जो सुन्नत दी है वो ये था कि आप वाज मुख्तसर फरमाते थे कि लोग उकता ना जाएं। बहरहाल साल बाद आपके इलाके की एक रात आपका जागना रीत बन गई है। मिजाज अपना अपना होता है, मैं जिस मौजू को लेकर के आया था, हाजिर हुआ था कि ख़त्म नबूवत की तहरीक में उलमाए अहलुल हदीस का जो किरदार है वो लोगों के सामने रखा जाए, ना तो अब वो वक़्त है और ना आप उसके लिए हाजिर हैं, और ना ही मैं वो टाइम ना मौजू लेना चाहता हूँ। मैं और आप पांच बातें करेंगे, उसमें पांच मिनट लग जाएं, दस लग जाएं, इंशाल्लाह नेक्स्ट खतीब आपके साथ होंगे। पहली बात, सारी दुनिया आपको एक जुमला बोलेगी कि हम सच्चे हैं और आप ठीक नहीं हैं। उन्हें एक लफ्ज़ बोलिएगा कि कलमा तो सब ने पढ़ा है लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद वफा की एक मिसाल ऐसी पेश कर दो, हो अहलुल हदीस, किताब व सुन्नत सभी रखते हैं, लेकिन उसने किसी मजबूरी के तहत, किसी परेशानी के आलम में अपना सर किसी ढेरी पे रखा हो, एक मिसाल ला दो, एक मिसाल। घबराया ना करें, तर्जुमानी के लिए अगर आपको कुरान मजीद की आयात नहीं आती तो किरदार सबसे पहले तबलीग का जरिया होता है। महबूब अली सलातो वसलाम ने
फरान की चोटी पे चढ़ के मुझे नहीं पता कि आपने लोगों को आयतें सुनाई थी। मुझे फरान की चोटी पहली दावत, अगर उसमें कोई चीज नजर आई है तो आप फरमा रहे हैं कद लबिस तुफी गुम उमरा, 40 साल की जिंदगी मेरा किरदार तुम्हारे सामने है। अगर मैंने इसी मक्के में रह के बैतुल्ला के अंदर मौजूद 360 बुतों से कभी मदद मांगी हो तो एक दलील दे दो, लेकिन मैं भी तो जिंदा हूं। लोगों अपना किरदार पेश किया करो। हालात जो मर्जी थे, कलमा पढ़ने के बाद जो किसी ढेरी पे नहीं झुका वो खुद को कहे या ना कहे वो वहाबी है। वो वहाबी है क्यों? मेरे रब ने उसको तौहीद की समझ दे दी है। वो उसको वहाब समझ करके अगर एक रब के दर पे झुकने वाला है तो मुबारक हो। दूसरे नंबर पे, सुन्नत सुन्नत तो सभी करते हैं लेकिन मीठी और कड़वी दोनों सुन्नतों को अपनाया है तो सिर्फ अहलुल हदीस। मीठी सुन्नतें तो हर कोई ले लेगा, मजा तब है कि कड़वी सुन्नतों को भी अगर लिया है तो अहलुल हदीस ने लिया है। मिसाल देता हूं, आपको पता है दुनिया में सबसे कड़वी सुन्नत कौन सी है? किसी भी मस्जिद में जाके हाथ उठा देना फिर उसके बाद लोगों की नजरें पढ़ना, कितना कड़वी कड़वी निगाहों से और तिरछी तिरछी अदाओं से लोग देख रहे हैं। इमाम साहब जमात करवा रहे हूं, वो कहें वलद्दालीन, और महबूब ने कहा वह इदा काल इमाम वलद्दालीन फकूलू आमीन। उस वक्त जब आमीन बोला जाता है इमाम का भी रिदम टूट जाता है, अवाम का भी रिदम टूट जाता है, और उनके दिल में क्या बीत रही होती है, इस सुन्नत पे अगर नीली छत के नीचे अमल किया है तो अकेले अहलुल हदीस। और भाइयों तीसरी चीज कहा करो दुनिया से, हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तलाश शायद किसी बेवफा की है। मोहतरम शेख साहब ने मुझे कहा कि मसलक, तो मेरा मसलक दुनिया जानती है लेकिन वफाओं के अंदर मजबूती नहीं पहचानती। एक एतराज़ आता है वहाबी कौड़े बड़े ने, कौड़े बड़े ने, ये दिन नू भी उदा वेंदे ने जिवें रात नू 3 बजे वेखण डे ने। आप लोग बेबस हैं, अल्लाह की कसम मेरा बस हो और इंतज़ाम मेरे हाथ में हो, मैं आप लोगों को कहूँ यार आप लोग लेट जाएं, लेट के मेरी तकरीर सुने, कोई हर्ज नहीं, लेट जाए कोई एतराज नहीं, लेकिन दुनिया को पैगाम दे दूं खत्म नबूवत का तहफ्फुज और अकीदा तौहीद का तहफ्फुज, किताब व सुन्नत का तहफ्फुज, सब लोग बात करते हैं लेकिन मैंने नीली छत के नीचे इतना गैरतमंद कोई नहीं देखा जितना रब ने अहलुल हदीस को बनाया है। इसी वजह से थोड़े से कड़वे भी हैं, क्योंकि शहद मीठा होता है कि नहीं, कीमती होता है कि नहीं, बनाने वाली मक्खी अल्लाह ने मीठी नहीं बनाई, उहदे पीछे डंग रखे है, कौड़ रखी है। हिफाजत फूल की मुमकिन नहीं है, कांटू में हो गर हुए हरीरी, तुझे जो कड़वा पन नजर आता है ये वो गैरत है जो किताब व सुन्नत की हिफाजत के लिए और खत्म नबूवत के अकीदे के लिए होनी चाहिए थी। रब ने अगर अता की है तो अहलुल हदीस को अता की है। डंग निकालना है ना तो कोई बड़ी बात नहीं, तू भी किताब व सुन्नत को लेके शुरू हो जा, मान जाएंगे, बड़े से बड़े शेख झुक के सलाम करेंगे, और अगर तू इससे हटके तो फिर वहाबियों का छोटा सा बच्चा भी तुझे उसके अंदर करंट नज़र आएगा, डंग नज़र आएगा। ये अल्लाह ने बनाए जो मुहाफिज हैं, बनाए जो निगरान हैं, किताब व सुन्नत की हिफाजतों के लिए
नीली छत के नीचे अल्लाह ताला ने ये अजमत अता फरमाई है, दावा सभी करते होंगे। लेकिन यारो, आज तलक छोटी छोटी चीजों की भी हिफाजत की है। मिसाल देता हूं, दो सजदों के दरमियान बैठना सुन्नत है। सही तरीके से अगर कोई बैठा है, जाओ देख लो कौन बैठा है। अच्छा, कुछ बैठ भी जाते हैं, पूछें भी दो सजदों के दरमियान क्या पढ़ते हैं, कहते कुछ भी नहीं, बस थोड़ा ता होए फिर डिग पे। यहां बैठ के सुनन नसाई और अबू दाऊद के वो रिवायत करदा जुमले जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान हुए, तुझे आए या ना आए मेरे बच्चों को आते हैं। आ दुनिया के किसी बर्रे आजम में चल, 210 मुल्कों में से किसी मुल्क में आ, 3064 बोलियां बोलते हुए मुसलमानों में अहलुल हदीस के किसी घर में चला जा, तुझे बताएगा कि आका ने पढ़ा था रब्बिग़फ़िरली। इससे भी लंबे जुमले आते हैं, बच्चों ने याद किए हुए हैं, बड़ों को भी आते हैं, मर्दों औरतों को भी आते हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वज़बुरनी वआफ़िनी वरज़ुकनी वरफ़ानी। ये हिफाजत तुझे नज़र नहीं आती कि ये कितने बड़े हाफिज़ भी हैं और दीन के मुहाफिज़ भी हैं और सुन्नतों के कदरदान भी हैं। और हजरात, अगला वफा का सबक जिक्र करो लोगों को, सिहाबा सिहाबा अजमत सिहाबा सभी ने की होगी। जब बात आती है ना किसी सिहाबी की, रिवायत की या किरदार की, इब्ने उमर, अगर आप इस वक्त रज़ी अल्लाह ताला नो नहीं कह रहे, इंशाल्लाह आपको नहीं पकड़ेगा क्योंकि आपका ईमान है, आप कहते हैं, लेकिन इस वक्त थके हैं बहुत। नहीं, मैंने इसलिए नहीं कहा, बोले हैं, मैं तो रब को आप लोगों की इस थकावट का सिर्फ कह रहा हूं कि अल्लाह तू ही है जिसे ऊंग नहीं आती, वगरना इन बेचारों की ये तेरी तौहीद पे दलील है, हमसे तो एक रात नहीं गुजारी जाती, एक रात नहीं गुजारी जाती। अल्लाह अकबर। इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं, मैंने महबूब को देखा, आपने जब नमाज शुरू की, रफा यदैही हज़व मन के बही, आपने कंधों के बराबर हाथ उठाए, औ इला शहमति उज़ुनै, या कानों की लौ के बराबर। और हदीसे पाक के लफज हैं कि हथेलियों के हाथ किबले की तरफ थे। हजरात, पूरी दुनिया में चले जाओ, आपको अगर कोई करता नजर आएगा भी यहाँ शुरू में भी, तो माशाल्लाह उसकी हथेलियों का रुख हथेलियों की तरफ ही रहेगा। कहाँ गया किबला, कहाँ गया किबला? अजमत सिहाबा की बात करने वाले, पूरी पूरी रात जलसा चलाने वाले, जब नमाज फजर आती है, सिहाबी कहते हैं महबूब अलैहि सलातो वस्सलाम जब रुकू के लिए गए, रफा यदैही हज़व मनकिबैहि औ इला शहमति उज़ुनै व इज़ा काम मिन रुकू, जब रुकू से उठे तो फिर ऐसे किए। मेरे दोस्तों ने पता यहाँ क्या किया, हाथ नहीं उठाए, हाथ नहीं उठाए। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं, नज़रों से गिरा देते हैं। ऐसी दुश्मनी मैंने दुनिया में नहीं देखी। कहा इब्ने उमर समझदार नहीं था, फकीह का क्या माना होता है, फकाहत नहीं थी, समझदारी नहीं थी, बच्चा था, लिहाजा उसकी रिवायत मुस्तरब है, इस्तेराब है, नहीं लेने का, नहीं करने का। और लोगों, तुम क्या जानो हमारी वफाओं को, तुम क्या जानो अहलुल हदीस की वफाओं को। ये मैंने सिहाबी की मिसाल दी है, आपने जिन्हें गैर फकीह कह के एक उम्मती को उन सिहाबा से ज्यादा समझदार समझ के, फिर उनकी अजमत के ढिंढोरे पीट के आपने वफाओं के इजहार करे हैं, हमने प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं, जो मिला है। आगे बढ़िए, अहले बैत, सारी दुनिया तज़किरे करती है,
मेरी जमात गलियों में नहीं निकलती, पीटती नहीं है, क्यों? महबूब ने रोका है, मना किया है। मन शक्कल जुयूब वल तमल खुदूद वदा बिदअवल जाहिलिया, जो बंदा गाल पीटे, गिरेबान फाड़े और मुश्किल वक़्त में जाहिलों वाले जुमले बोले, वो मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है। फिर भी अपना आयत के दावे करने वाले हम दावत देते हैं, अहले बैत का नाम सभी लेते हैं। अहले बैत में एक हस्ती हैं, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत हसन, ये 4 साल के थे। अच्छा, महबूब पूरे हिजाज में किसी की शादी खुशी होती, खुशबू की ज़रूरत होती तो मेरे आका का पसीना ले जाते थे, और जब महबूब को खुशबू की ज़रूरत होती तो आप हज़रत फ़ातिमा से हज़रत हसन या हज़रत हुसैन ले जाते थे, या आप चले जाते थे, गोद में बिठाते, गले से लगाते और दोनों बाजुओं में लेके सर अपनी ठोड़ी के नीचे रख के ऊपर अपनी नाक मुबारक यूं रख के सूंघते और फरमाते, हसन और हुसैन तुम मेरे फूल हो, तुम मेरे। अच्छा, ये रिवायत सभी बयान करते हैं, जिस दिन महबूब की गोद में हज़रत हसन बैठे थे और सिर्फ 4 साल के थे, और आपने उनको कहा था, किताबु तौहीद इब्ने मंदा में रिवायत मौजूद है कि मेरे बेटे जब तू वितर पढ़े और उसमें सूरह फातिहा पढ़ ले, साथ में सूरत मिला ले, तो फिर क्या पढ़ा कर, अल्लाहुम्मा हदनी फी मन हदैत, अल्लाहुम्मा हदनी। अच्छा, बड़ी मज़े की बात है, कहते हैं जादू वो जो सर चढ़ के बोले, मैं कहता हूँ नहीं, प्यार वो जो सर चढ़ के बोले, वफा वो जो सर चढ़ के बोले। पूरी दुनिया में घूमो, ये दुआ मौलवियों को भी नहीं आती, लेकिन मेरे अहले हदीस के किसी बच्चे से सुन, जवान से सुन, बुजुर्गों से सुन, मर्दों से सुन, औरतों से सुन, दिन में सुन, रात में सुन, हमने सिर्फ अंगूठे चूम के लफ्जी इजहार नहीं किया है, काबा के रब की कसम हमने वफाएं रकम कर दी है। लोगों ने कहा उम्र 4 साल थी लिहाजा हम नहीं लेते, एडे छोटे बच्चे की रिवायत का की एतबार है? आ एतबार बताऊं, सोए हुए भी हो, रात के 3 से ऊपर टाइम है, जरा दुनिया को अपनी वफा का इजहार लफ्जों में, गुफ्तार में, किरदार में, जुबानी याद है, एक दफा तो पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा हदनी फीमन हदैत, ये वाली पढ़िए, जरा पढ़िए, पढ़िए भाई। कैमरे वाला सो रहा है, नहीं तो मैं कहता जरा कैमरा घुमा, बेचारे की उसकी भी मजबूरी है, अल्लाह का एहसान है, मौला का करम है, तौहीद की दलील है। बहरहाल मेरी गुफ्तगू जब सुनी जाएगी इंशाअल्लाह थोड़ा हंसेंगे। फिर पढ़िए जरा, कैमरा लग रहा है आप पे, अहले बैत सैयदना हसन, उम्र 4 साल, दुआए कुनूत मिल गई है, अहले हदीस ने दामन में बच्चे बच्चे को दे दी है, पढ़िए अल्लाहुम्मा हदनी। ये मैंने अभी तो नहीं सिखाई, मैंने कोई मंत्र तो नहीं पढ़ा कि आप बोलने लग गए, मैंने हिप्नोटाइज तो नहीं किया कि आपको जुमले याद हो गए या आप मेरी बोली बोलने लगे। लोगों अल्हम्दुलिल्लाह हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुमको तलाश शायद किसी बेवफा की है। ये है मेरा मसलक, ये है वफा और ये है मोहब्बत का मेयार। अपने नेक्स्ट खतीब साहब को ले आइए जहाँ भी हैं, नहीं तो मैं कौम को वक्फा दे रहा हूँ कि उनके आने तक आप थोड़ा सा लेट लें, आखिरी वफा सुन के। नहीं मेरे भाई, अपना अपना मिजाज होता है, मैं इसी को काफ़ी समझूँगा। एक अपनी वफा ना लोगों को ज़रूर बताया करें कि यार साढ़े कोल केड़ी शह की कमी है जिहड़ी वाबियां कोल नहीं। सोहणियां मसीतां ते सोहणे सोहणे हुजरे ते कमाल दियां गैलरियां ते जबरदस्त तहखाने ते माशाल्लाह कड़छ जवान, सब तो ज्यादा अल्लाह दा शुक्र है जवान आलम, जवान खतीब, जवान कारी रब ने पूरी दुनिया च मेरी जमात नूं दित्ते ने। ते एक होर वड्डी गल है कि खांदे खालस ने ते रब देंदा भी खालस है, ये अल्लाह दा करम है। छाबी चुक के कभी घर जा के एक डोंगे च 5 किस्मां दे सालन पवा के
अल्लाह ताला ने जो एक माजी दी की हो नौबत मैं नहीं वेख्या, सोना खांदे ने रब देंदा है, ईमान जो ओदे ते वे ते भाजी कोई सोहना जिहा वीर घर लड़ के अपनी बेगम दे नाल तड़ाक 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 करके तलाक 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 दे के किते अपने आल जाके ते बेचारा फस बैठा होवे, उन्हें क्या होवे जी नहीं हज़रत जी तुहाडे ते हराम हो गई, इहनू हलाल हज़रत हुणी करनगे, ते फस जावे अपने च, फिर पता कितों का मिलता जी, जामे रहमानिया चले जाओ, जामे सलफिया चले जाओ, फुलां जगह ते जाओ। तो माशाल्लाह बुजुर्गों के बच्चे कोई छोटे सेहतमंद ने, चंगे तगड़े, केड़े पासू कमी नजर आती है, वैरायटी की कमी नहीं, रब का करम है, लेकिन महबूब की हदीस की लाज, दीन की शर्म और तेरी इज्जत का लिहाज है। नहीं तो साढ़े को भी हलाल करने वाले सारे औजार मौजूद हैं। भई एक बंदा मुर्गी लेके आया, कहता जी इनू ज़िबा कर दो, तो तुहाडे कोल खंजर भी होवे छुरी भी होवे, तुसी देर लाउणी है तकबीर पढ़दे कि देर लगती है, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, लेकिन जा अलहम्दुलिल्लाह माजी गवाह है, मेरी किसी मस्जिद किसी मदरसे किसी अदीब किसी खतीब किसी बलीग और किसी कारी या किसी इमाम ने तुझे इतना बोला हो कि ठीक है तूने तीन तलाकें दी हैं और तीन हो गई हैं, हलाल करने के लिए अब्दुल्ला हाजिर है, अब्दुल रजाक हाजिर है, अहमद हाजिर है, जो है फुला हाजिर है, महमूद हाजिर है, अल्लाह की कसम तुझे कहेगा यार जा, तीन है एक ही हुई है, रुजू 90 दिन के अंदर है तो रुजू कर ले, 90 दिन से ऊपर का मामला है फिर मिलना चाहते हो तो निकाह कर ले। ओए हमने तो फंसे हुए हालात में भी तेरी इज्जत नहीं देखी, जो ऐसे हालात में तेरी इज्जत के मुहाफिज हैं वो तेरे साथ दीन में दो नंबर ही करेंगे, सोच कभी, वगरना इज्जत तैयार होके घर खुद आई हो और फतवे की हालत में फंसी हो तो उस वक्त जो है जाल मौजूद हो, हुजरे मौजूद हों, कमरे मौजूद हों, जवानी भी हो, तड़प भी हो, वैरायटी भी हो और माशाल्लाह गाक फंसया भी होवे। पाजी कोई बीमारी ना ना होवे, किसी भी डॉक्टर को टुर जाओ, उन्हें कहो मेरा दिल घबरा डिया, तो तुसी वेंदे जे नबज़ वेख के हिसाब ला के स्टेथोस्कोप लगा के अगे पिछे देख के तेनू पुत ड्रिप लगनी है, लवा के आ जाते माशाल्लाह 3 घंटे, दिल की धड़कने तो हम भी पढ़ रहे होते हैं, तेरी नज़र को भी देख रहे होते हैं, उस वक़्त की झुकी नज़रें भी क़यामत का असर दिखा रही होती हैं और घबराया हुआ भी है, लेकिन याद रख हमने उस वक़्त भी तेरी इज्जत पे नज़र नहीं डाली, हमने तो इतना भी नहीं कहा उसे लेके ही आ, हम देख के फूंक मार के दम करेंगे चलो जा तेरे लिए हलाल हो जाएगी, इससे बढ़ के वफा क्या मांगेगा हमसे और क्या चाहता है। ये मेरा मसलक है लोगों, ये मेरी खूबी नहीं, ये मेरा कमाल नहीं, ये मौला की अता है, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, ये उस खलूस का नतीजा है। अगर हम तेरी इज्जत पे बारे में गलत नहीं सोच सकते, तूने कैसे सोच लिया है कि हम तेरी ज़िंदगी और तेरी कब्र के बारे में गलत सोचते हैं, और कभी तू भी सोचना कि अगर इस मसले में ये मसलक सच्चा है और मेरी इज्जत बचा सकता है, मेरा घर बचा सकता है, तो फिर सोचा कर बाकी मसाइल में ये तेरे साथ दो नंबरी कहाँ से करेगा। ये मेरा मसलक है, बड़ी लंबी लंबी बातें हो सकती थी, इसी के ऊपर मैं इक्तफा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको थोड़ी सी रेस्ट और सुकून दे, आ रहे हैं पसरूरी साहब, पैगाम चला गया है, उतनी देर आप बैठ के नज़रें नीचे झुका के हाथ उठा के अपने रब से इन लम्हों में जब बंदे को नींद आ रही हो ना, पता ना लगे कि मांगना क्या है और कहना क्या है, तो फिर जो भी मन में होगा, मन को जानता है वो, राज रखता है वो, इलम रखता है, छोटी सी दुआ तो कर दीजिए उन लोगों के लिए जो दुखी हैं जो बीमार हैं, बाकी आखिर वाली दुआ वो तो रूटीन में होगी। मेरे माई बाप बीमार हैं और मैं लम्हे ढूंढ रहा था, अल्लाह करे ये सोए सोए से चेहरे जब आमीन कहेंगे तो मेरे रब को तरस आएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين।
नहीं नहीं एक एक कच्ची दुआ है भाजी, मैं अपने लिए करा पक्की पक्की नहीं है, कच्ची दुआ है। अल्लाह पसरूरी साहब नू जल्दी भेज, आमीन। और उन्होंने आन तक इन्हों झट बहन की नहीं तो लम्बिया पैन की अल्लाह तौफीक अता फरमा, इन्हों दी मुहब्बत कबूल फरमा, और इस इदारे नू दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। मौला मेरे माई बाप नू ते जिस जिस दे भी माई बाप बीमार ने अल्लाह उन्होंने सेहत कामिल आजला अता फरमा। अधी बिलबास रब्बन नास वश्फे अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफा उक शिफा अल्लाह युगादिरु सकामा। अल्लाह तेरे दीन के लिए जितने भी हाफिज़ व मुहाफिज़ हैं अल्लाह उनकी ज़िंदगियों को मुबारक फरमा। अल्लाह जितने भी बेटे और जितनी भी बेटियाँ यहाँ से दीन का ऐसे मुसल्ला हो के दलील का असलहा लेके अल्लाह मार्केट में निकले हैं, मेरे मालिक उनकी मेहनतें उनकी काविशों को कबूल फरमा। अल्लाह उनके वालिदैन को दुनिया में भी इज्जत दे और आखरत में भी इज्जत के ताज से नवाज। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। भाजी जाना नहीं, थोड़ा जहा तुसी लम्मे पै जाओ।